नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनावों से पहले कभी ईवीएम से छेड़छाड़ तो कभी वीवीपैट की पर्चियों का मुद्दा उछाला जाता रहा है और एक बार फिर से यह मुद्दा बड़ा उछला हुआ है। दरअसल चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार यानी कि 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। मामले पर अब अगली सुनवाई होनी है 17 मई को। दरअसल एक्टिविस्ट हैं अरुण कुमार अग्रवाल और उन्हीं की ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई थी याचिका और मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए। फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान किया जाता है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीवीपैट मशीन होती क्या है, उससे पर्चियां कैसे निकलती हैं और क्या वीवीपैट की पर्चियों पर विवाद पहली बार हो रहा है? आइए सिलसिलेवार तरीके से वीवीपैट से जुड़े सवालों का समझते हैं जवाब, कोशिश करते हैं इसका जवाब समझने की। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक ऐसी मशीन है जो चुनाव के समय ईवीएम के साथ कनेक्ट की जाती है और इससे मतदाता द्वारा अपनी पसंद की पार्टी और उम्मीदवार को दिए गए वोट का डबल चेक करने का मौका मिल जाता है। वोटर अपने उम्मीदवार को और पार्टी को ईवीएम में बटन दबाकर वोट देता है तो वीवीपैट मशीन एक पर्ची को जनरेट करती है। वो पर्ची 7 सेकंड तक मतदाता को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे के एक बॉक्स में नजर आती है। इसके बाद वहां से एक ऑटोमेटिक तरीके से कटकर वीवीपैट मशीन के अंदर ही गिरती है। पर्ची में मतदाता के द्वारा दिए गए वोट पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा रहता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा आरोप लगाता है कि ईवीएम वोट में कोई गड़बड़ी हुई है तो तमाम पर्चियों का उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम में पड़ी हुई वोट से मिलान कराया जा सकता है। दोनों के वोट एक समान होने पर उस चुनाव को वैलिड घोषित कर दिया जाता है। दरअसल वीवीपैट की पर्ची मतदाता को नहीं दी जाती, सिर्फ पोलिंग अधिकारी ही वीवीपैट की इस पर्ची को देख सकते हैं। चुनाव की मतगणना के वक्त किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की भी गणना की जाती है। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल हुआ था सितंबर 2013 में नागालैंड के चुनावों के दौरान। उस वक्त नागालैंड की नोकसिन विधानसभा में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 2017 में वीवीपैट का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया। पहली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशंस को रेंडमली चुना गया। वीवीपैट की सभी पर्चियों का ईवीएम में पड़े हुए वोटों के साथ फिर मिलान कराया गया। अगर कैंडिडेट शिकायत करता है तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो पूरी विधानसभा या फिर जरूरत के मुताबिक लोकसभा सीट पर पड़े हुए सभी वोटों का 100% वीवीपैट की पर्चियों के साथ मिलान का आदेश दे सकता है। हालांकि वीवीपैट की पर्चियों को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम में से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर कर दी थी 5। इसके बाद मई 2019 कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम को वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज़्यादा ही संदेह करने लगते हैं। बहरहाल विपक्ष चाहता है कि वीवीपैट की सभी पर्चियों को वोट देने वाले मतदाता को दिया जाए, फिर ईवीएम में दिए गए वोट से संतुष्ट होते हुए उस पर्ची को वहीं एक बॉक्स में डाल दिया जाए ताकि कोई उम्मीदवार किसी तरह की धांधली होने की अगर शिकायत करता है या फिर कोर्ट जाता है तो उसका मिलान कराया जा सके। राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वीवीपैट में अभी जो पर्ची जनरेट होती है वो तुरंत वहीं कटकर मशीन के अंदर ही न गिरे, वो वोटर के पास जाए और इससे पारदर्शिता ज़्यादा बनी रहेगी। चुनाव आज तक।